बहुत अच्छा था उसको अवसर है कि आज इस अवसर पर यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार का शिलान्यास की नहीं बल्कि उसका उद्घाटन हो रहा है। आपका वो जो राशन का सामान है तो कुछ खिड़की है यही से पहुंचे राजस्थान के द्वारा पहले भी है मुख्यमंत्री जी ने सबका देखा कि हमारे ग्रामवासियों को शहरवासियों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो अच्छी सब करेंगे ना कितना मजा तो उन्होंने टाइप किया फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज से और इसमें दोनों विभाग राशन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग कितना सामान है जिसको देखो ये सब खराब हो जाएगा। देखो ये देखो यार तुम ये मेरा सब दुकान ही तोड़ फोड़ करके छोड़ दोगे। देखो ये जब ये सब लोग चला जाए मुझे पीछे आओ बोलो पीछे आओ यार पीछे आओ यार थोड़ा पीछे अंकल घूम जाओ अंकल थोड़ा घूम के करके किस तरह से पापा जी एक मिनट अच्छा थोड़ा सा बच्चे इधर आ जाओ एक बार देख ले आपकी सेल्फी करा दूंगा एक महीने पुराना है मैम तो 120 है ये आज बढ़ाई है 120 का। कई बार हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं और भी बात करते हैं लेकिन हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है कोई भी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट किसान से और इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हो क्यों नहीं आएगा मेरे को हाथ लगाने को भी मन नहीं लग रहा है और आपका वो भी लग रहा अच्छा बना रहा ये मैम राज का कोरिएंडर ये इस एग्रीमेंट के अलावा है ये पूरी 25,000 शॉप्स में हो रहा है। अरे पहले मेरे को इतना ही बता दो कि आप कितना नीचे कम कर रहे हो चाय बताओ चाय 40 की है कितनी बिक रही है आपकी मतलब कम से कम 10 किलो मैंने 10 किलो काफी है अच्छा ये बताओ ये भी सस्ता है मार्केट में बल्क में पूरे स्टेट के लिए और ये सारी चीजें अच्छी नहीं एक बार इसको बताओ स्पेसिफिकली मैडम जो पूछ रही है ये कितने का बेचते हो ये सर पैसे में मार्केट में कम से कम 3-4 रुपए अपने नाम से जैसे मैगी है मैगी से वो कहते हैं कि हमारा तो आदमी मैगी खरीदता है Methodology in which this part he cannot store all your stuff.
to be given the fair price stock with izzat. So can we do one thing? Can we repack these stocks in a convenient way so that the customer gets money for it? So display them. Why can't we do it? Why can't we do it? 5 kg. So I should have a counter, and from this counter I should be able to dispense neatly and cleanly. So without having all that, no, the backup shop at the front, give me a corner. Like for example, if this is there, corner here and all the extra stuff, and into that, not that much extra stuff. This is the ration. They should have a counter which you can put up and go into your house. You put it down, and then from this, people have to be treated with respect. I hate the thought of just flinging things at them. In the front, you're doing something, in the back, you're doing something. Both of them have to have the same. I mean, the idea here is that इसी में कह रही हूँ अपने जैसे आपने वहाँ जमा है ना यहाँ भी वैसे जमाएंगे इज ऑल योर फ्रंट का चीज सो यू कैन मेक स्लिप कवर्ड समथिंग हियर बट यू जस्ट पुट रैक्स You know, with those kind of things, like net, kya hota hai? No, just kya hota hai? Post lo bhar lo. Kuch lo. Aap log ji ne mehnat kar safai karna. Haan, main ye order kiya. Bahar bahar aa jao, bahar bahar aa jao. Thoda aa gaya. Madam ऊपर मैडम ऊपर साइड पीछा आप तो इधर थोड़ी और जगह भी दे सकते हो ले लेंगे वैसे मैं कहते हैं आपका सामान जो एक्स्ट्रा है वो स्टोर में आ जाएगा मैम एक फोटो ले मैम एक फोटो बैठे थे उनको उधर की तरफ रुख करना पड़ा मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अन्य अतिथियों से अनुरोध कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें लेकिन ये मान लीजिए दीपावली से पहले अन्नपूर्णा योजना का दिया यहाँ पर जलाया जा रहा है और जिस तरह से दिए की रश्मियां चहुं और विस्तृत होकर प्रकाश फैलाती हैं, इसी तरह से अन्नपूर्णा योजना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है पूरे देश में एक अनूठी अभिनव पहल है एक अनूठा सा एक पहल का ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी उन्होंने फीता काट कर कर दिया है दीप प्रज्वलन किया जा रहा है जीवन है केवल दो दिन का काल सिंधु में जैसे तिनका हम राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार हमारे बीच में हैं हम डॉक्टर वीना खाद्य आयुक्त राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भगवत सिंह जी महाप्रबंधक मार्केटिंग उनसे अनुरोध करते हैं कि आप श्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में विराजमान हैं स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार हम
आदरणीय उमेश सिंह जी जो कि महाप्रबंधक हैं वित्त, उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आसीन। हमारे जिला प्रमुख महोदय मूलचंद जी मीणा साहब, सुरेंद्र पारिक जी, अंतर ही कहां रह गया है, सुरेंद्र पारिक जी बड़े विनम्र से हमारे विधायक महोदय, डीडी कुमार साहब जो कि जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, बहुत अच्छा सरपंच ग्राम भमोरी श्रीमती सीता शर्मा जी, पंचायत समिति सदस्य सुनीता शर्मा जी, जिला परिषद सदस्य माया शर्मा जी से आग्रह कि मंच पर आए और मुख्यमंत्री महोदया का सम्मान करें, स्वागत करें। ग्राम ये चुनरी जो है ग्राम भमोरी की ओर से, और एक चुनरी और माननीय मंत्री महोदय की तरफ से, भड़ाना साहब की ओर से भी। तालियां बहुत जोर की होनी चाहिए, राजस्थानी हमारी परंपरा का प्रतीक है, भाई का प्रेम बहन, और उसी सपने को और साकार करते हुए उसका विमोचन किया जा रहा है। एक बार वापस तालियों से स्वागत इस अवसर का। जो सपने देखे हैं विकास के, माननीय मुख्यमंत्री महोदया उन सपनों को साकार करने की पहल में ही लगी हुई हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं सादर आमंत्रण आशीर्वाद के लिए, आशीर्वचन। और मेरे साथ इस बहुत बड़े कार्यक्रम में जो फुल पार्टनर हैं, फ्यूचर ग्रुप के श्री किशोर बियानी, और जिन्होंने बाहेती जी को मेरे पास भेजा है, आज इस मंच पे बैठे हैं, हम सब की ओर से आज हम आपका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही निराला और अद्भुत काम मैं आपने हमारे साथ पार्टनरशिप की है, उसके लिए मैं आपकी, आपके ग्रुप की एंड स्पेशली किशोर बियानी जी की बहुत बहुत आभार हम सब की ओर से देना चाहते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको आज के दिन ये कहना चाहती हूं कि तीनों जन ने सही कहा, चुनाव के तुरंत बाद ही हम लोगों ने यह सोचा था कि जनता के साथ किस तरीके से कड़ी डायरेक्ट जोड़ी जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते थे कि भाई अपने को ऐसी जगह पे जाने की जरूरत है जहां डायरेक्ट अपने को मालूम हो जाएगा कि जनता के साथ क्या होता है। तो कई राशन की दुकानों में रुकने का मौका मिला, तो मैंने कई तो देखे, रास्ता टूटा फूटा, टूटे फूटे रास्ते के पास टूटा फूटा एक गोदाम, गोदाम का एक टूटा फूटा कमरा, काला सा काला अंदर, और उसमें बोरियां वैसी पड़ी हुई है, जो आता है बेचारा अंदर झांक के शक्ल दिखाता है और अपने उसमें गाड़ी में रख के और वापस ले जाता है। हम लोग कोई भी जितने भी गरीब होते हैं ना, चाहे कितना भी गरीब हो, वो स्वाभिमान पे मरता है। और मैं समझती हूँ कि गाँव का आदमी इस इज्जत और स्वाभिमान के लिए जिंदा है, चाहे वो एक रोटी कम क्यों ना खा ले, चाहे वो क्यों नहीं अपने शाम को आप ऐसी सो जाए, भूखे पेट सो जाए, परंतु वो चाहता है कि हमारी इज्जत लोग करें, हमारे में और किसी में कोई फर्क नहीं। इसको देख के हमारे तो आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा इससे इसे जानवर जैसे अपन थोड़ी करना चाहिए, अपने लोगों के साथ तो नहीं होना चाहिए। और तब से सोचना शुरू कर दिया कि भाई किस तरीके से अपन दुकान ऐसी बनाए जहां हमारा व्यक्ति आ सके, जहां उसको दरवाजे से कोई नहीं कहे, क्योंकि 25,000 दुकानें कोई छोटी मोटी नहीं है। हम लोगों ने एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट मोड के ऊपर कहा कि भाई दुकान अपनी है, सब कुछ है, उसके साथ हमारा पार्टनर बन जाए जो हमको समझाए कि इसको किस तरीके से चला सकते हैं, किस तरीके से सामान इसके अंदर रख सकते हैं, ये सरकार की एक्सपर्टीज नहीं है, जिसकी एक्सपर्टीज है उसको किस तरीके से जोड़ा जाए। कितने महीने, 3-4 महीने अपन ने इसको ट्राई किया, हमने सोचा रिलायंस के लोग आ जाएंगे, हमने सोचा कोई और दुकान के लोग आ जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं आया। और आखिर में हार के हम सोच ही रहे थे कि चलो भैया बोरिया बिस्तरा बंद करो, ये तो मिलना नहीं है, अपने को और दूसरी बात सोचनी पड़ेगी। इतने में किशोर बियानी जी का हमारे पास खबर आई, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान के अंदर, इसका बहुत जाना माना नाम है फ्यूचर ग्रुप करके, कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको ये जानकारी है कि फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार चलाता है, और वो ही नहीं बहुत सारी चीजें उसके साथ चलाता है, एक बहुत बड़ा उद्यमी का ग्रुप।
उन्होंने इंटरेस्ट जताया और उन्होंने कहा मेरे को कि मैं इसमें काम करने को तैयार हूं। तो आप तो बहुत खुश हुए, हमने कहा तुरंत ही इनके साथ बैठ के एमओयू करिए, करके उनको लाइए। जो टेबल पे आए जिस दिन अपन एमओयू साइन करने जा रहे थे, मैं समझती हूँ कि 20 अगस्त का दिन था और उस दिन वो खुद आए थे। तो हम लोग जब बैठे टेबल पे, साइन तो कर लिया, साइन करके जब हम वहां से उठे तो मैंने उनको ये कहा कि किशोर जी आप बताइए, मैंने इतने लोगों को कहा, इतने लोगों से मिन्नतें मांगी, परंतु किसी भी ने हमारे साथ हाथ बटाने का नहीं सोचा, आप इसमें कैसे आ गए। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि ये जो उपाय है मेरे हिसाब में प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, उन्होंने कहा दुनिया में एक ऐसा बड़ा पहल है जो मैं समझता हूं कि ऐसे पहल के अंदर हमारी कंपनी पायनियरिंग कंपनी मैंने एक अगुवाई करती है और हम ऐसे पहल में जुड़ना पसंद करते हैं जो आपने ये पहल की। और ये मत सोचना, उन्होंने मेरे को कहा ये मत सोचना कि इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई बिजनेस वाला जो होता है वो ऐसे नहीं आता है, खाली लव एंड फ्रेश एयर पे कोई जिंदा वैसे भी नहीं रहता है। तो उन्होंने हमको ये कहा कि भाई हम इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि आपके प्रदेश के अंदर ये एक ऐसा सुझाव, एक ऐसा काम है जो हम लोग करेंगे सक्सेसफुली, हम इसको करेंगे तो ऐसा कोई भी दूसरा प्रदेश नहीं होगा जो हमारे पीछे पड़ के कहेगा कि भाई आओ हमारे यहाँ भी इसी तरीका काम कराओ। वो केरला भी और दिल्ली भी बड़ा प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश तो अपने जैसा बड़ा प्रदेश है, परंतु दोनों छोटे प्रदेश है, फटाफट फटाफट करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ भाईती जी, इसको अपने को रोल आउट करना है तो बहुत फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बीच में साइड ट्रैक करा के छोटे प्रदेश अपने यहाँ ले जाएं तो हमारा बड़ा प्रदेश ऐसा रह जाए। हमें पूरे 25,000 आपसे ही करवाने हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने 6 महीने के अंदर तो पहले 5,000 का अपन माने एक व्यवस्था के रूप में कर रहे हैं, ट्रायल के रूप में कर रहे हैं और उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं वैसे कर रहे हैं। परंतु आने वाले समय के अंदर जो 20,000 रह जाते हैं उनको भी अपने को पूरा करना है ताकि पूरे राजस्थान के गरीब जनता को जहां भी ये दुकानें हैं उसका पूरा पूरा फायदा मिले। दूसरे लोग आ सकते हैं उसके बाद, वो तो आप ही के पास आएंगे, परंतु उसके पहले राजस्थान का काम करना है, यही मेरा आपसे भी आग्रह है। और इसके लिए मैं आज सरदार पटेल की जयंती के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से अन्नपूर्णा भंडार आपको सबको समर्पित करना चाहती हूँ। ऐसे 2-3 मैंने, मैं समझती हूँ 50 कंप्लीट हो गए ना, 50 ऐसे हो गए हैं, परंतु 5,000 हमको मार्च के पहले पहले कंप्लीट करने हैं। इस टारगेट को लेके अपन चलते हैं। मैं सुरेश जी शर्मा को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि राशन के दुकान वाले भी बड़े साहसी हैं जो ऐसे दुकान को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो आप लोग समझ रहे हो। और मैं समझती हूँ कि अब वो जब मशीन पॉस की आ जाती है तो उसके ऊपर आप जब अंगूठा लगाओगे तभी आपको सामान मिलेगा, तो उसका अकाउंटिंग होगा। जब आपको भामाशाह कार्ड मिल जाएगा तो भामाशाह कार्ड को जब आप उसमें था वैसे ही स्थिति मैं नहीं समझती हूँ कि अब फिर आगे आएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हमारी गरीब जनता का होगा, हाँ नहीं ना, ऐसा इतना ज्यादा फायदा होगा फिर कहना नहीं होगा कि किसका 4 आदमी का नहीं मिल रहा है, 2 आदमी का मिल गया, ऐसा नहीं होगा। किताब कहाँ रह गई वो नहीं होगा, सब के सब आपके ओनली ऑन बैंक अकाउंट आपका ये पूरा काम होने वाला है। तो और अच्छी बात तो ये है कि जो दुकान इन्होंने बनाई है उसमें करीबन 160 आइटम और मिलेंगे, जैसे अभी सामने वाली दुकान में आपने देखा सुरेश जी के, इसमें मैंने इनको कहा थोड़ा सा अपने को और इनोवेशन करने की जरूरत है ताकि पीछे का हिस्सा भी आगे का हिस्सा भी बिल्कुल चकाचक दिखे, ऐसा दिखे कि कोई इसमें फर्क ही नहीं है। वी हैव टू डू दैट, वो अपने को देखना है। और मैं ये कह रही हूँ कि जो ये इनकी MRP पे आप देखेंगे कि छूट है 3% to 30%, आप लोगों को इन दुकानों के अंदर इन सामानों के ऊपर छूट मिलेगी, तो ये भी कोई कम नहीं है। जब आप जाओगे तो सुरेश जी की दुकान में जाना पसंद इसलिए करोगे क्योंकि वही जैम की बोतल कहीं और 89-90 रुपीस की है जो इनके दुकान में सिर्फ 80 रुपए की है, क्यों नहीं जाओगे आप इनकी दुकान में? और इतना अच्छा व्यवस्था है, इतना अच्छा बनाया गया है, क्यों नहीं जाएंगे वहां? तो इसलिए मेरा ये कहना है
कि ये काम अब बहुत तेजी से पूरे राजस्थान के अंदर होगा, इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा और इसका फायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा, पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर संभाग में 1,000, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा संभाग में 500-500 अन्नपूर्णा भंडार, ये तो खोले जाएंगे अभी, और कुल 5,000 अन्नपूर्णा भंडार पूरे देश में प्रथम चरण में खोले जाएंगे। जयपुर इज द सेकंड हाफ, जयपुर इज द सेकंड हाफ। और मैं ये कह रही हूं कि एक साल के अंदर ही आपके 13 दिसंबर के अंदर ऑल 25,000 पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे। अब आप समझिए कि एक तो आपका हुआ अन्नपूर्णा भंडार, उसके साथ साथ हुआ आपका भामाशाह कार्ड। इस भामाशाह कार्ड के ऊपर सब आपके पेंशन वेंशन सब जो भी हैं वो तो चले ही जाएंगे। उसके साथ साथ अब हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देने जा रहे हैं, जिस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 30,000 से लेकर 3,00,000 तक सीरियस बीमारी के लिए आपको पैसा मिलेगा। ये 13 दिसंबर को हम लोग चालू करने जा रहे हैं। जो भी मैं कह रही हूं 10 स्कीम, 12 स्कीम, 50 स्कीम अपने को नहीं करनी है, परंतु 4 या 5 स्कीम ऐसी लानी है जो जनता के रोज की जिंदगी के साथ जुड़े और उनको फायदा दे। और इसीलिए मैं कह रही हूं इसके साथ साथ अभी आरोग्य राजस्थान चल पड़ा है, इस आरोग्य राजस्थान के अंदर हम कोशिश में है कि आपको एक ई हेल्थ कार्ड मिले। अब इस ई हेल्थ कार्ड के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी कोई और बीमारी है, आपको शुगर है, कैंसर है, कोई और बीमारी है, तो उसकी पूरी जानकारी उस ई हेल्थ कार्ड पे आएगा। ये अभी 3 महीने का हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान चालू कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो आपके जेब में वो कार्ड मिलेगा, तो हॉस्पिटल में अगर उसको स्वाइप कर दिया तो 1 मिनट में उस कंप्यूटर के ऊपर आपकी सब बीमारी क्या क्या है वो 1 मिनट में मालूम पड़ जाएंगी। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। 1 मिनट में जहां 2-2, 3-3 घंटे ब्लड टेस्ट वेस्ट लेने के लिए हो जाता वो 1 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा और ट्रीटमेंट तुरंत ही चालू हो सकता है। ये कार्ड भी बहुत जल्दी हम लोग चालू करना चाहते हैं, ये भामाशाह के साथ साथ हम देना चाहते हैं। मैं मानती हूं कि राजस्थान पहला प्रदेश है, आज जब हमने सरकार अपने हाथ में ली थी और मैंने तो ढिंढोरा पीटा नहीं था कि हम लोग बहुत ही हालत खराब है। सब लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति हमारी सबकी क्या है, सबको मालूम है कि बिजली विभाग के अंदर क्या किस हालात में हम लोगों को छोड़ के गए थे, परंतु तो हमने ये कहा कि जो अपने पास है उसी को अपन किस तरीके से इस्तेमाल करें और उसी को इस्तेमाल करते हुए कभी इसके सिर पे टोपी तो फिर उसके उसके करते करते सबका मने धीरे धीरे जैसे घर में करते हो आप लोग उसी तरीके से अपने इस बड़े घर के अंदर करके और सब जनता को साथ में लाके उनको लाभ देने का हम काम करें। एक चीज मैंने कह दिया है कि तो आपके जो पहले जमाने के अंदर राजस्थान बिल्कुल लास्ट में आया करता था, अब खुशी की बात तो यह है कि आपके ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला प्रदेश पूरे देश के अंदर है राजस्थान। आपके जो ये टॉयलेट्स में और आपका ये स्वच्छ भारत उसमें कौन सा प्रदेश नंबर 1 है? कम ऑन, आपने यहीं करके सोए रहोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या बताओ कौन सा प्रदेश है नंबर 1? एग्जैक्टली राजस्थान, जबकि अभी भी गंदगी मेरे को दिखाई दे रही है। और मैं आप लोग सबको यह कहने आ रही हूं आज के दिन स्वच्छ भारत का एक और प्रतिज्ञा आपको लेके यहां से जानी है। मैं अभी नागौर होके आई थी और वहां मुझे वो वेटनरी हॉस्पिटल नागौर ने बीकानेर के वेटनरी हॉस्पिटल ने एक वहां एक प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो आपके प्लास्टिक का चल रहा है उस प्लास्टिक की वजह से गऊ की क्या स्थिति हो रही है। आज अपन लोग इतना हल्ला मचाते हैं कि गऊ के लिए अपन मरने को तैयार है, गऊ के लिए अपन सब कुछ करने को तैयार है। गऊ माता, गऊ की पूजा हम कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो तो फिर ये गंदगी क्यों कर रहे हो? यही खा खा के उस गऊ की क्या हालत हो जाती है वो वेटनरी हॉस्पिटल ने बताया। उसने बताया गऊ एक खड़ी, उसके चारों ओर वो मेटल वो लगा के ताकि, क्योंकि ऑपरेशन जब होता है उसमें गऊ बैठ नहीं सकती, सब खड़ा करते हैं, खड़ा करके डॉक्टर एक बड़ा चीरा लगा रहे हैं साइड में, उसकी तस्वीर है, खून खून बेचारी का सब दूर, उसमें से खोल के जिस तरीके से द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है होता है उसी तरीके से प्लास्टिक खींच खींच के निकाला जा रहा है। अब ये क्या है, कौन भगत बैठे हुए हैं यहां और ये भगत क्या कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं पैसा? भैया इतना ही कर लो,
अगर आप लोग इतना ही कर लोगे तो मैं समझती हूँ कि उस गांव की हालत कहां से कहां इंप्रूव हो जाएगी। भैया करो तो सही, रेडी क्यों जी, करने को तैयार है कि वहीं पटकोगे? अभी जैसे यहां से मैं जा रही हूं, मैंने कहा कि भैया ठीक है मैं आ रही तो इतना सफाई तो हो गई, परंतु प्लास्टिक से तभी भी आप लोग नहीं छूट पाए। जो साइड साइड के पेड़ हैं उसके ऊपर चिपका है, उसके नीचे से लगा हुआ, उसके यहां लगा है, उसके वहां लगा, प्लास्टिक। अभी वापस जाओगे तो आपको दिखाई देगा। इस प्लास्टिक के खिलाफ अपने को लड़ाई लड़नी। नया अफोर्डेबल हाउसिंग अभी अपन लोगों ने शुरू किया है, यह अफोर्डेबल हाउसिंग एक अलग किस्म से राजस्थान के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो भी पीपीपी में करने जा रहे हैं। और वो नहीं जिस तरीके से मेरे को नागौर में मिला, वो जिसके अंदर कम दाम के ऊपर अच्छे घर बन के लोगों को मिलेंगे, जिसमें लोग जाके रहेंगे और खुश होंगे लोग उसमें जाके रहने के लिए। ये दो तीन हमारे काम, नाम तो ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि भैया 5, 6, 8 से ज्यादा अपने को नहीं करना है, परंतु तो इसके अंदर अपने को वो करके दिखाना है कि जनता कहे हाँ ये ठीक काम किया हमारे। आज सौर ऊर्जा के अंदर नंबर एक प्रदेश कौन है? हाँ, राजस्थान नंबर एक प्रदेश। रिजर्व बैंक ने यह हमको कहा कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे, माने एक साल के अंदर जो निवेश आया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो प्रदेश नंबर 3 है राजस्थान। कहां से कहां उठे अपन। और वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि आसान जहां हो जाता है बिजनेस करने के लिए, वो छठा स्टेट है राजस्थान। अब राजस्थान कहां से कहां, कितनी मेहनत की होगी कि वहां से लेके ऊपर तक आने का। मैं सबको कहना चाहती हूं कि ये शुरुआत है, अभी 21 महीने क्या, अगस्त तक चुनाव, एक चुनाव, दूसरा चुनाव, उसकी आचार संहिता खत्म, फिर दूसरी। इसके बीच भी अपन लोगों ने इन सब काम को जान देके इनको आगे करने का काम किया है। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि ये प्रदेश तो तब आगे बढ़ेगा खाली नेताओं की वजह से नहीं, उसके जनता की वजह से, उसके परिवार की वजह से। जब ये एक परिवार प्रेम से रहेगा तो इस परिवार को कोई भी पीछे धकेल नहीं सकेगा। कोई जात के झगड़े नहीं, कोई मजहब के झगड़े नहीं। ऐसी स्थिति करोगे तो दौड़ दौड़ के राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए लोग आएंगे। आज बाबा रामदेव जी का के कार्यक्रम में हम लोग सब थे, आपके यहां से भी शायद कुछ गए होंगे। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने भी यही कहा, झगड़ा फसाद छोड़ो। मैं देखती हूँ कि कभी अगर मैंने आपकी तरफ ऐसे सिर उठा के मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले आप पीछे देखोगे कि वो मेरे पीछे किससे, कि आपकी तरफ भी मुस्कुरा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी किसी और की तरफ मुस्कुरा सकते हैं। क्यों एक दूसरे को देखते हैं ऐसे कि मैं खा जाऊंगा तुम्हें? हमको सबको एक दूसरे के साथ प्यार के साथ व्यवहार करना है। ये करोगे ना तो ये सब मेरा काम आसान हो जाएगा, ये सब काम मैं एक एक करके आपके सामने रख सकूंगी। ये तो वो है कि मैंने 4 कर दिया तो 4 बोलते हैं ये बहुत अच्छा किया, 10 कहेंगे ये साहब इसमें तो ये कमी है, उसमें वो कमी है, अगर आपने ऐसा कर दिया होता और वैसा कर दिया होता। भाई मिलके करो, आप तैयार हो क्या? हम तो मेहनत 12 घंटे करने को तैयार है, 24 घंटे करने को तैयार हो, पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका साथ रहना जरूरी है। ये रहेगा तो ये राजस्थान आगे बढ़ेगा। तैयार हो? इतने नींद में अभी भी हो तो हो गया ना, फिर तो बोलो जी हाँ कि ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तो एक बहुत बड़ा काम अपन ने शुरू किया है, आने वाले काम के अंदर अपने लोगों को सबको मिलकर करने की जरूरत है। अभी डिजिटाइज राशन कार्ड का ई मित्र के माध्यम से 1 अप्रैल 2015 से वितरण किया जा रहा है। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से जो नए डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड के सदस्य के नाम को जो जोड़ना है और जो करेक्शन करना है वो किया जा सकता है। डिजिटाइज राशन कार्ड के आधार पे जो ये पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से ये बायोमेट्रिक, जिसको मैं बता रही थी अभी, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उंगली लगाओगे तो उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वितरण किया जाएगा। POS मशीन से होने वाले वितरण का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाता है, समझ गए? पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन, कब सेल किया, कब नहीं किया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और ये आ जाता है तो किसी भी समय किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन संभव कर सकते हैं। मैं कभी भी जाके आप देखोगे तो वो सब चीज है ही, तो ये नहीं कह सकेंगे वो वहां है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और
मेरा मानना है कि 8 जिले अजमेर सीकर झुंझुनू धौलपुर बारा झालावाड़ टोंक बूंदी इनका अभी चयन किया गया है और 4,450 पॉस मशीन्स अभी लग चुकी हैं और ये लग जाएंगी अब थोड़े दिन के अंदर। उचित मूल्य के दुकानदार को खाद्यान्न वितरण पर प्रति क्विंटल पर दी जाने वाली मार्जिन मनी जैसे मैंने अभी बताया 30 रुपये तक है आपको फायदा, प्लीज उसका यूज करिए। उपभोक्ता कल्याण कोष द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य को 1,000 माध्यमिक और 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब की गतिविधियों को पुनः फिर सक्रिय कर सकते हो। ये करना जरूरी है, मेहरबानी करके सब मैंने सब आप करवाओ इनको, क्योंकि ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इनको भी मालूम होना चाहिए कि अपन क्या करने जा रहे हैं। और शिकायतों का समाधान उपभोक्ता को बहुत ही जल्दी राहत प्रदान करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन ये भी अब शुरू कर दी गई है, इसका भी फायदा अब आप लोगों को मिलेगा। मैंने अभी इनको पूछा कि हेल्पलाइन पर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, तो उन्होंने बोला 24,181 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं और समस्त शिकायतों का निस्तारण किया है। अब समस्त तो मैं बिलीव नहीं करूंगी पर ऑलमोस्ट समस्त ये समझो हो गया होगा, और कुछ जो बची हैं वो क्या कारण था उसके बारे में मेरे को बताने की आपको जरूरत है, क्योंकि एक दफा मालूम भी होना चाहिए कि कौन सी है ऐसी जिसका निस्तारण अपन नहीं कर सके और क्या कारण थे, वो 1, 2, 3, 4, 5 करके उसको अपने को लिस्टिंग कर लेना चाहिए। फिर से मैं धन्यवाद आप लोग सबको देना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा कदम अपन लोगों ने आज उठाया है, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। शर्मा जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कहाँ हो जहाँ भी हो कि आपने साहस दिखा के इस दुकान को चालू किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि देवी पूरी तरह से आपके ऊपर कृपा करके और इस दुकान के अंदर अच्छी सेल्स करेगी। याद रखना कि दिवाली का दिन आ रहा है आप सबको, क्योंकि मालूम नहीं मुलाकात होगी कि नहीं, बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। याद रखना सफाई होगी तो ही देवी घर में आएगी, जहां जहां सफाई होगी वहां देवी घर में आएगी, इतना ही। आपको बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे बधाइयों के साथ आज का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम के लिए मैं विभाग को और एमएलए साहिबान को मंत्री जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको चला के। मैं तो ये कह रही हूँ कि जनता में पहले बात तो आए लोगों के मन में, और फिर एक पॉपुलर वर्क हो तो उस पॉपुलर चीज़ को हम लोग आगे क्रियान्वित करने में